हेलो दोस्तों, के पी सी में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप लोग ले लेकर हूँ कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं, ये जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगा रही है एमजी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगा रही है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। एमजी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो 2022 साल में पहली बार कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए आ रही है दोस्तों। इससे पहले 2022 साल में एमजी मोटर कंपनी कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगाई थी। 2021 साल में एक बार या दो बार लगाई थी और 2022 साल में ये कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए आ रही है। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आईटीआई बच्चों के लिए कि आप लोगों के लिए एमजी मोटर बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसमें भी सैलरी भी अच्छा खासा आप लोगों को दिया जाता है। ये निशुल्क कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए आ रही है दोस्तों, कोई इसमें फी नहीं लगने वाला है, निशुल्क है दोस्तों। इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इस कैंपस प्लेसमेंट में नहीं भाग ले सकते हैं दोस्तों। अभी जितनी भी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगा रही है, सब में एक नियम लागू कर दिया है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा मौका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चल के आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या ट्रेड लिया जा रहा है, सारा कुछ मैं ऑल डिटेल्स में बताऊंगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चल के। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। स्किप नहीं करना, स्किप करने से भी आपको थोड़ा सा स्किप कर लेते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। उससे पहले दोस्तों अगर मैं चलो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी दी जाती है, आईटी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अभी एमजी मोटर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग एमजी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं दोस्तों। इसमें देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन रखा गया आप लोग के लिए, वो आईटीआई पास आउट वाले बच्चे केवल भाग ले सकते हैं। ओनली जो आईटीआई पास आउट वाले बच्चे वही इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इस कैंपस प्लेसमेंट में नहीं भाग ले सकते। इसमें जो ट्रेड रखा गया है, डीजल मैकेनिकल, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, एमएमबी, टर्नर, ये सब ट्रेड दिया गया है। जिनका ट्रेड है वही इस कैंपस को अप्लाई कर सकते हैं, अदर वाले बच्चे इस कैंपस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अदर वाले अप्लाई करेंगे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, फॉर्म आन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप कमेंट करने लग जाएंगे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए पहले जिनका ट्रेड दिया हुआ है उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी अदर वाले बच्चों का नहीं होने वाला है। इसमें जो एज लिमिट रखा गया आप लोगों के लिए 18 से 23 ईयर्स रखा गया है, जो एज लिमिट बहुत ही अच्छा इसमें रखा गया है। इसमें वेट भी दिया गया है, आपका मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। जो आईटी पास यहाँ पर रखा गया वो 2020 और 2021 ओनली जो पासिंग ईयर दिया गया, जो 2020 और 2021 में पास किए हैं वही इस कैंपस को अप्लाई कर सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोफाइल दिया गया है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सब वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट और 50 लड़के लिए जाएंगे। यहाँ पर पोस्ट काफी कम है दोस्तों, तो आप लोग जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, बायोडाटा, सीवी, रिज्यूम आपको लेके जाना है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, एंड आईटीआई का मार्कशीट आपको लेके जाना पड़ेगा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज कलर वाला फोटो आपको लेके जाना है, एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। और इन सब का 2 जेरोस के साथ में आप लेके जाइएगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पहली बार मांगा गया, इससे पहले किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में किसी भी कैंपस में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, बट इसमें आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, आप लोगों के पास है तो लेके जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट वेन्यू रखा गया गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कोलोल ट्रेनिंग रोड जो पंचमाला में है, वहीं पे आप लोगों को ये कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, वहीं पे आप लोगों को जाना है। उससे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले आप लोग कैंपस प्लेसमेंट वेन्यू ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो पंचमहल है वहीं पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट डेट रखा गया वो 10 जनवरी को कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है 2022 मंडे का दिन है, सुबह 10 बजे आप लोग वहाँ पहुँच जाना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नोट दिया गया है कि COVID-19 का गाइडलाइन आप लोगों को पालन करना है, तो इसका गाइडलाइन पालन करने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सैनिटाइजर एंड मास्क और पानी का बोतल आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं और भी दिया गया यहाँ पे कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव अप्रेंटिस भर्ती के लिए जो भी बच्चा आना चाहते हैं वो अप्रेंटिस पोर्टल, यहाँ पे देख सकते हैं जो वेबसाइट दिया गया है इसी वेबसाइट पे आपको खोलना है, गूगल क्रम पे जाके और वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन करें तभी आप उस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। आप अगर वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो पहले आपको इस वेबसाइट से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे वेबसाइट पे तो खुल जाएगा आपके पास ऐसा पेज, देख सकते हैं आप अप्रेंटिस का जो पोर्टल का वेबसाइट होता है वहाँ पे खुल गया है। आप यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तभी आप उस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन में नहीं भाग ले सकते हैं। तो जय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और चैनल पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।